नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पहला ब्लॉग जो है वो सेटअप कर सकते हैं ये पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। तो डायरेक्टली अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा गूगल, गूगल पर जाके आपको यहाँ पर लिखना है ब्लॉगर। ब्लॉगर लिख के यहाँ पे आप करोगे तो सबसे पहले ही नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पे blogger.com है और यहाँ पे लिखा हो क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो ये जो है गूगल की तरफ से प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप बिना कोई पैसा लगाए अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप आगे प्रोफेशनली ब्लॉग के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप इस ब्लॉगर के ऊपर बना सकते हो। जितना भी आप स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस के लिए जो भी काम करोगे उसको अगर आपको लाइव अपने डोमेन के साथ में लिंक करना है वो सारी चीज़ें जो हैं आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने चलना है ब्लॉगर के ऊपर। जैसे ही आप ब्लॉगर पे जाओगे तो आपको जो है इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। बेसिकली ब्लॉगर पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक जीमेल का आईडी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जीमेल के आईडी से मैंने लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपका ब्लॉगर का प्रोफाइल का डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल सरकारी नौकरी लिख देता हूँ, ठीक है ना, सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी करके हम इसको कंटिन्यू टू ब्लॉगर करते हैं। सरकारी लिखना था, सरसारी लिख दिया मैंने, नो प्रॉब्लम, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है ब्लॉगर का एक बन चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग आ गई है। अब यहाँ पे जब भी आप इनिशियल करते हो तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमें फाइनली ब्लॉग क्रिएट करना है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रिएट न्यू ब्लॉग। तो क्रिएट न्यू ब्लॉग यहाँ पे पूछ रहा है टाइटल, जो भी हमारे ब्लॉग होंगे उसका एक टाइटल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सरकारी नौकरी, ठीक है ना, सरकारी नौकरी, ये हमने उसका ब्लॉग का टाइटल देना है। और इसी से मिलता जुलता जो है मुझे उसका यूआरएल चाहिए, मतलब उसका जो वेब एड्रेस, जैसे वेब एड्रेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे google.com का google.com है और कोई भी वेबसाइट है उनके खुद का नाम डोमेन होता है। तो बेसिकली अभी हमने जो है खुद का डोमेन तो है नहीं, हमने परचेस तो करा नहीं है, तो हम क्या करेंगे अभी ब्लॉगर के ऊपर ही यूज़ करें। तो ये हमें एक सब डोमेन प्रोवाइड करता है, तो उस डोमेन का आपका नाम क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरकारी नौकरी हमने लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है .blogspot.com जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। हम यहाँ पे सरकारी डॉट लगा के देखते हैं, सरकारी डॉट नौकरी डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम, तो ये इनवैलिड बता रहा है, मतलब हम बीच में डॉट नहीं लगा सकते। और ऐसे में अगर एक बार डैश लगा के देखते हैं तो यहाँ पे डैश में भी जो है हमारा काम नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे सरकारी नौकरी और यहाँ पे जो है इसको हम सरकारी नौकरी की जगह पे हम एक इसको SN कर देते हैं, मतलब सरकारी नौकरी blog.com। तो ये भी ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं एस नौकरी, तो हम एस नौकरी एक बार चेक करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी, ये भी एड्रेस जो है लिया गया। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे पूरा सरकारी लिख देता हूँ और सरकारी नौकरी, और इसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर डाल देता हूँ। तो से फॉर एग्जांपल 2019 डाल दिया मैंने, तो ये भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2020 करके देखते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो 2020 करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये जो है आपके पास अवेलेबल है, तो 220 करा हमने। ये इस तरह से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यूआरएल को लेते वक्त, तो अभी मैं हाल फिलहाल के लिए ये ले रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और ये आपको परफेक्ट यूआरएल जो है आप इसके ऊपर ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे है थीम्स कि आपको जो ब्लॉग है वो दिखना कैसा चाहिए। अभी जो है मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कोई भी ले लें, क्योंकि आगे कौन सी थीम आपको किस हिसाब की थीम्स चाहिए हैं, कौन कौन सी फ्री थीम्स हैं आपके लिए और कौन सी प्रोफेशनली लुक वाली थीम्स हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए ये एक ब्लॉग को चेक कर लेते हैं, थीम को, और क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करते हैं।
तो जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकारी नौकरी का जो है हमारा बन चुका है। तो ये एक से आप यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो गूगल का जो है ये डोमेन पूछेगा कि आपको डोमेन चाहिए क्या, तो हमें नो थैंक्स कर देना है और ये हमारा काम जो है अभी बन चुका है। अब आप देखते हैं यहाँ पे हमारे आने वाले जो पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर जितने भी हम लिखेंगे वो सारे यहाँ पे पोस्ट क्रिएट होंगे। उसके बाद स्टेट्स कहते हैं जहाँ पे मतलब जितना भी हमारा ट्रैफिक आएगा, पर डे पेज व्यू कितना हो रहा है, कल कितना हुआ था, लास्ट मंथ कितना हुआ था, ऑल हिस्ट्री पे अब तक पेज व्यू कितना हुआ है, ट्रैफिक सोर्स कौन से थे, कौन से पोस्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ऑडियंस क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद इनके ऊपर आने वाले कमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। फिर इसके बाद आप अर्निंग के लिए करोगे तो यहाँ पे कुछ समय बाद आप एडसेंस को यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे रास्ते बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा कि डे वन से ही हमें जो है मोनेटाइज करना आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे पेजेस हैं तो जो भी हमें अलग अलग पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस होगा, अबाउट अस हो गया, तो वो पेजेस किस तरह से क्रिएट करने हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है लेआउट। लेआउट में जो है बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आपकी, थीम्स वगैरह की एडिटिंग वगैरह। तो ये जो है जब हम इसको एडिट करेंगे, जो थीम हमें चाहिए उसको जब हम एडिट करेंगे तब हम इसको जो है लेआउट्स के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे थीम्स। वैसे तो यहाँ पे जो है आपकी, आप देख सकते हो जो भी थीम्स आप सेलेक्ट करोगे आपकी डेस्कटॉप के ऊपर किस तरह से दिखेगी वो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, मोबाइल के ऊपर किस तरह से दिखेगी वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी इसको हम कुछ नहीं करते, इसके अलावा बहुत सारी और भी नीचे थीम्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो ये सारी थीम्स अवेलेबल हैं। जैसी भी थीम आपको चाहिए वैसी थीम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये कोई थीम चाहिए तो ये वाली थीम है, अगर आप इसको करोगे ये आपका अप्लाई कर दोगे तो ये वाली थीम आपकी जो है एप्लीकेबल होगी। अभी आपको मैं यहाँ पे व्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ, तो व्यू ब्लॉक के ऊपर करोगे देख सकते हो ये जो है अभी हमारा लेआउट है। लेकिन अभी जो है ये लेआउट इसलिए है क्योंकि अभी जो है हमने कुछ भी सेटअप नहीं करा है। तो जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर, वैसे वैसे ये चीज़ें जो है आपको बहुत ही परफेक्ट दिखाई देंगी। अब इसके बाद जो है आपकी सेटिंग्स हैं, सेटिंग के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। एक तो हम यहाँ से टाइटल कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो हमें डालना है। फिर यहाँ पे प्राइवेसी जो है उसको हम एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्लॉग का जो यूआरएल, अगर हमें ये पसंद नहीं आया है अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब जो भी आप यूआरएल यहाँ पे फिक्स करो वो यूआरएल आपको पहले ही फिक्स कर देना है। ये नहीं कि आज आपने 10 दिन हो गए, 10 दिन इस यूआरएल पे काम करा, जब तक लोगों को ये यूआरएल के बारे में पता चला तब तक आपने यूआरएल चेंज कर दिया तो वो ट्रैफिक आना फिर बंद हो जाएगा। तो इसलिए यूआरएल जो है ब्लॉग को सेटअप करने से पहले ही आपको सेट कर देना है। अब ये HTTPS है जो कि ये आपकी सिक्योर वेबसाइट रहे, तो यहाँ पे HTTPS को आपको येस रखना है, बाई डिफॉल्ट भी येस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्लॉगर रीडर वगैरह ये सारी हैं, पोस्ट के कमेंट वगैरह शेयरिंग वगैरह के लिए आपके पास क्या रूल्स होने चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ईमेल जो है वो किस तरह से होने चाहिए वो देख सकते हो यहाँ पे। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग आपका कैसा होना चाहिए ये हम देखेंगे। सर्च प्रेफरेंसेस वगैरह कैसे सेट करने हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे जो है। इंडेक्सिंग जो क्रॉलर्स होते हैं, जो भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स वगैरह होते हैं वो आपके वेबसाइट को किस तरह से, वेब ब्लॉग को किस तरह से जो है इंडेक्स करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अदर्स में जो है काफ़ी सारी और भी ब्लॉग से रिलेटेड डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है यूज़र सेटिंग्स हैं, तो आप यूज़र की खुद की सेटिंग प्रोफाइल वगैरह बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो ये है हमने, ये है पूरा ब्लॉग के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। और आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो को अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, पूरा उन लोगों के लिए बेसिकली ये सीरीज़ है पूरी, जो लोग पैसा नहीं लगाना चाहते लेकिन ब्लॉगिंग के अंदर पहले एक बार ट्राई करना चाहते हैं कि वाकई उनके पास ट्रैफिक आ सकता है कि नहीं आ सकता, उनको जो अपने ऊपर जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो इसी ब्लॉग को जो है आप अपने लाइव डोमेन के साथ में जो है लिंक कर सकते हैं। और अगर आगे चल के आपको लगता है,
आप उसको जो है अपनी खुद की होस्टिंग के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप पूरा कंटेंट जो है अपनी वेब होस्ट अपनी खुद की वेब होस्टिंग के ऊपर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ों को देखते रहिएगा ताकि जो है आपको स्टेप बाय स्टेप 2020 के अंदर जो है अगर आप सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो ये पूरी जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू आप देखते रहें, तो आपको सारी इन एंड आउट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब आपको जानना है, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी जो है इसके अंदर ऑनलाइन के अंदर जो है करियर बनाने का मौका मिले, और वो भी घर बैठे अगर, या फिर यूं कह सकते हो पार्ट टाइम के अंदर जो है अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप यहां से कमा सकते हो। सो दोस्तों आई एम श्योर कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा देना है ताकि आपको जो है आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।